साथियों नमस्कार, एस बी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो का आधार भागलपुर बिहार से एक महिला हैं, उन्होंने प्रश्न किया है। उनके प्रश्न के उत्तर के क्रम में उनका मैटर भी, उनका मामला जो है, जो आप इस वीडियो में पाएंगे उसी तरह का है बिल्कुल। तो उनके समस्या के मद्देनज़र मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, ये माननीय न्यायालय का निर्णय आपके सामने लाया हूँ। इसको आइए देखते हैं कि क्या इसमें परेशानियाँ थी, क्या पेचीदगी थी और इसका माननीय न्यायालय ने क्या हल निकाला है। ये देखते हैं, जैसा कि हेडिंग में है, एक पति दो विधवा, एक पति दो विधवा, मृत्यु के बाद किस बात किसे लाभ दे, यानी किसे लाभ दिया जाए। पत्रावली में जो विधवा नामित है उसी को लाभ दे, यानी जिसका नाम लिखा पढ़ी में रहेगा उसी को लाभ, यानी मृतक आश्रित जो भी उसके अंदर अंतर्गत नियमावली के अंतर्गत लाभ हैं वो प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। एक टेक्नीशियन है, उनकी मृत्यु कार्यरत रहते हुए हो गई। मृतक की दो जीवित पत्नियां थीं, दोनों दावेदार थीं, दोनों में फैसला भी हुआ। एक को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी, दूसरी को पेंशन लाभ। मतलब इन्होंने अपने आपस में निर्णय लिया, आपस में समझौता किया कि एक पेंशन लाभ ले लें और एक नौकरी। जब दूसरी पत्नी ने नौकरी का आवेदन किया तो विभाग ने कहा कि नियमों में लोक उल्लेख है, दूसरी पत्नी, ध्यान दीजिए, दूसरी पत्नी ने जब आवेदन किया नौकरी पाने के लिए तो विभाग ने कहा कि नियमों में लोक उल्लेख है, पहली पत्नी को ही सेवायोजन मिल सकता है, नौकरी में का लाभ मिल सकता है और अन्य लाभ मिल सकते हैं। वाद न्यायालय में योजित हुआ, न्यायालय में मामला गया, याचिका दाखिल हुई। न्यायालय ने निर्णय घोषित किया कि दूसरी पत्नी जो याची है वही अभिलेखों में नामित है, उनका ही नाम जो है सर्विस बुक में है और वही नॉमिनी है, और सभी लाभ क्या है, नामित पत्नी को, जो नॉमिनी है जो लिखित में है उसी को दे होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर पहली पत्नी आवेदन करे तो विभाग उसको उसके सेवायोजन एवं पेंशन देने पर नियमानुसार विचार कर लाभ दिया जाए। अब देखिए, माननीय न्यायालय ने यहाँ पे भी निर्णय दिया, व्यवहारिक और जीवंत एक निर्णय दिया कि यदि नाम नहीं है पहली पत्नी का उसमें, तब भी विभाग जो है, यदि वो आवेदन प्राप्त होता है पहली पत्नी के द्वारा, तो उनके जो है पेंशन आदि का भी उनको लाभ प्रदान करें। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान दें कि यदि आपका मामला पारिवारिक स्तर पे या विभाग स्तर पे नहीं सुलट रहा है, नहीं उसका हल निकल रहा है, तो आप न्यायालय में अवश्य जाएँ। और न्यायालय में जाने का मतलब आपको ऐसे मामलों में सालों साल नहीं झेलना होगा, आपको कुछ महीने में इसके निर्णय आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि माननीय न्यायालय में भी जो है आपको निर्णय पहले के इससे संबंधित जो निर्णय रहते हैं उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका तत्काल जो है निर्णय मिल जाता है। क्योंकि जो आपके वकील रहेंगे वो इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामले पहले के निर्णय जिन पर हो चुके होते हैं वो माननीय न्यायाधीश के सामने रखेंगे और उसी आधार पर निर्णय हो जाता है, इसलिए इसमें समय कम लगता है। न्यायालय का मत है, न्यायालय का मत देखिए, इंग्लिश वर्जन है, इट इज़ ए फैक्ट दैट पेटिशनर इज द नॉमिनी ऑफ द डिसीज, सो द क्लेमेंट इज द पेटिशनर टू रिसीव द अमाउंट ड्यू अंडर पीएफ जीआईएस एंड डीसीआरजिस वी विथ रिगार्ड टू द कंपेंसेट अपॉइंटमेंट। ठीक है, माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि जो ये नॉमिनी है ये क्लेम कर रही है, पेटिशनर मतलब याचिकाकर्ता जो है नॉमिनी है, इसलिए इनको सारे जो लाभ हैं उनको अनुमन्य है, उनको दिए जाने चाहिए। द सेकेंड रिस्पॉन्डेंट बींग द फर्स्ट वाइफ ऑफ डिसीज, जो दूसरी हैं वो जो दूसरे हैं संबंधी, उनकी दूसरी पत्नी है, कैन मेक एन एप्लीकेशन सीकिंग कंपेंसेट अपॉइंटमेंट, वो एक प्रार्थना पत्र जो है मृतक आश्रित नियुक्ति संबंधी लाभ और पेंशन संबंधी लाभ के लिए एक जो क्या कि प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। एंड आल्सो फॉर फैमिली पर्सन इज अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ इन द फोर्स, नियमानुसार कार्रवाई करें। ठीक है, ये मामला था, ठीक है, सिकंदराबाद का। तो ऐसे मामले यदि आपके सामने हैं, कोई परेशानी है किसी भी भाई बहन को, तो ज़रूर हमारे संज्ञान में लाएं, और मैं माननीय न्यायालय के वकीलों के भी संपर्क में हूँ और उनसे राय मशविरा करके और जो भी निर्णय मिलते हैं मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा, ताकि आपको जानकारी मिल सके, आपका जो है सहयोग हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।